आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। इटा रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। नीतीश सरकार ने फिर से बिहार में लागू किया लॉकडाउन, 16 से 31 जुलाई तक सब कुछ बंद। बेगूसराय पुलिस को मिली सफलता, कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कोरोना का कहर, अब बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी को हुआ कोरोना, खुद को किया आइसोलेट। भागलपुर में कटाव की भेंट चढ़ा, स्कूल का भवन, दहशत में ग्रामीण। बेलचौर में कोरोना का कहर, 10 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, कर्मचारियों में दहशत का माहौल। मुंबई में निर्वाचन कार्यालय का स्टाफ निकला कोरोना पॉजिटिव, ऑफिस हुआ सील। बीजेपी सांसद और उनकी पत्नी पर FIR, 20 करोड़ की संपत्ति 3 करोड़ में रजिस्ट्री कराने का आरोप। खबर के बाद टूटी झारखंड सरकार की नींद, पाकिस्तान बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद कराने वाले स्कूल पर एक्शन। बिहार में कोरोना से 9 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 143। सड़क निर्माण को लेकर सिवान में फूटा लोगों का गुस्सा, विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। खगड़िया में नशीली पति ने गोली मारकर पत्नी की ली जान, पहले भी कर चुका था कोशिश। पुणे में बाइक चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार, 2 थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से किया गिरफ्तार। झारखंड में एक दिन में 189 कोरोना मरीज मिले, राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3963। पटना के बिहटा में बाप ने चाकू से गला रेत कर ली बेटे की जान, पैसों को लेकर हुआ था मामूली विवाद। रोहतास में ट्रैक्टर में मैजिक वैन के टकराने से 5 लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। यूपी से शराब लेकर आ रहे 2 गोपालगंज में गिरफ्तार, जहानाबाद और औरंगाबाद में भी धंधेबाज पकड़ाए। सिवान में जलजमाव तथा कीचड़ से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपनी पर जताया विरोध। सिवान में ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, 20 दिन से जला हुआ है ट्रांसफार्मर। भागलपुर में 3 दशक बाद भी नहीं बन पाया विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रयणी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।